बजट में देश की आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। जानिए उनके बजट में कॉमन मैन यानी आम आदमी को क्या मिला, उन्हें क्या सस्ता मिलेगा और किस सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में आम लोगों को क्या मिलेगा। आयकर दरों अथवा स्लैबों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने अब लोगों को अपने आयकर रिटर्न में सुधार का मौका दिया। अब आयकर दाता 2 असेसमेंट साल तक अपना अपडेटेड ITR फाइल कर सकेंगे। मोबाइल फोन चार्जर, विदेश से आने वाली मशीनें, स्वदेशी छाता और कपड़े सस्ते होंगे। पॉलिश्ड डायमंड भी सस्ता होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घड़ियां और केमिकल्स भी सस्ती होंगी। बजट में सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा सकते हैं। यह शिक्षा से वंचित युवाओं के लिए पढ़ाई का प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगी। बजट 2022 में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी अदला बदली पॉलिसी लाने की घोषणा की है। अभी देश में ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन बड़े पैमाने पर नहीं है। जगह की कमी के कारण ई चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। बैटरी की अदला बदली पॉलिसी से ही ई वाहन चलाने वालों को चार्जिंग के लिए परेशान नहीं होना होगा। बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने के लिए केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। बजट में इसके लिए 44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इलाके के 90 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सिंचाई पेयजल योजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। अगर आप किसान हैं और धान गेहूं की फसल सरकार को MSP पर बेचते हैं, तो बता दें कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में सरकार ने MSP पर गेहूं और धान की खरीदारी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब खेती किसानी भी पढ़ाई वाले सिलेबस में शामिल होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़े। गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन और 100 गति शक्ति कार्गो ट्रेन चलाएगी। 2023 तक एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे का नेटवर्क होगा। तो सुना आपने बजट 2022 में आम आदमी को क्या कुछ मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपने राज्य और देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए निशनवर।